दोस्तों आजकल सरकार लगातार सड़कों की कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है, क्योंकि इन सड़कों के एक दूसरे से कनेक्ट होने के एक नहीं कई फायदे हैं। पहला ये कि सड़कों के अच्छा होने से बिजनेस तो बढ़ता ही है, इसके साथ ही टूरिज्म भी बढ़ता है और जो कहीं ना कहीं देश की GDP को भी अफेक्ट करता है। इस वक्त हमारे देश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेकर चार धाम यात्रा तक लगातार सभी रोड्स को बेहतर बनाने का दौर जारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल सिर्फ सीमेंट और तारकोल ही नहीं, प्लास्टिक और स्टील वेस्ट से भी सड़कें बनाई जा रही हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और नेचर के लिए काफी अच्छा है। आइए जानते हैं स्टील वेस्ट से कैसे सड़कें बनाई जा रही हैं। स्टील वेस्ट से सड़कें कैसे बनाई जा रही हैं, उससे पहले जानते हैं कि इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक आंकड़े की बात करें तो भारत में हर दिन स्टील का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज से तकरीबन 20 मिलियन टन कचरा निकलता है, जिसकी वजह से इन फैक्ट्रीज के आसपास इस वेस्ट के कई बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं। वहीं एक आंकड़ा ये भी बताता है कि भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है, जिसकी वजह से साल भर में लगभग 45 मिलियन टन कचरा निकल सकता है। अब सवाल ये बनता है कि जब इतना वेस्ट निकलेगा तो उसे डिस्पोज कैसे किया जाएगा, क्योंकि नेचर से लेकर सरकार तक सभी के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। देश की इसी मुसीबत को कम करने के लिए भारत में स्टील वेस्ट से सड़कें बनाने की शुरुआत हो चुकी है। किसने और कैसे की है शुरुआत? आपको बता दें कि भारत में वेस्ट मटेरियल की कोई कमी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पिछले कुछ सालों से इस वेस्ट से सड़क बनाने के तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्हें फाइनली सफलता मिल चुकी है। देश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए की गई रिसर्च जल्द ही देश के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि ये कई सालों की मेहनत के बाद स्टील वेस्ट से बनी देश की पहली सड़क को साइंटिस्ट सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि गुजरात के AMNS नाम के प्लांट में इस वेस्ट की प्रोसेसिंग करवाकर पहले देखा गया कि क्या इसे गिट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो इससे सड़कें बनाने पर ये कितनी ड्यूरेबल हैं। इन सभी चीजों की रिसर्च में मिली सफलता के बाद इसे एक नए फॉर्मूले के तहत सड़क बनाई गई है जो सूरत में बनी है, और इस सड़क को स्टील स्लैग रोड का नाम दिया गया है। 6 लेन वाली इस सड़क को हजीरा नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में 1 किलोमीटर तक बनाया गया। हालांकि फिलहाल ये अंडर ट्रायल है, लेकिन हरी झंडी मिलते ही पूरे देश में इस टेक्निक से सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि भारी व्हीकल्स के चलते सूरत की हजीरा पोर्ट नाम की इस सड़क की हालत बहुत ही खराब थी। यहाँ से निकलने वाले लोगों को हर दिन काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये सड़क हैवी व्हीकल्स का लोड नहीं सह पा रही थी और बार बार बनने के बाद कुछ दिन बाद ही टूट जाती थी, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे। इसकी मरम्मत कराना और फिर से इसे दोबारा बनवाना सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया था और रोड एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी बनी रहती थी। लेकिन इस नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टील वेस्ट से बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क इतनी मजबूत है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब हर दिन तकरीबन 18 से 30 टन वजन लेकर 1000 से भी ज्यादा ट्रक्स गुजर जाते हैं। लेकिन नई टेक्निक से बनी सड़क में किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इतना ही नहीं, इस नई सड़क की मोटाई बाकी सड़कों से 30% तक कम है, जो आने वाले समय में सड़कों को बनाने की लागत भी काफी कम कर देगी। तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब इस टेक्निक से देश के हाईवे और दूसरी सड़कें भी बनाई जाएंगी। वैसे सड़क को बनाने में यूज की गई यूनिक टेक्निक आजकल देश में हर जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं स्लैग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब किसी मटेरियल से कोई चीज बनती है तो उसमें से काफी सारा ऐसा वेस्ट निकलता है जो किसी काम का नहीं होता, इसे स्लैग कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को कैसे मिला सरकार का साथ? वैसे इस नई तकनीक से सड़क बनाने में सबसे ज्यादा फायदा पर्यावरण को होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान को फायदा पहुंचाएगा। वहीं हर साल करोड़ों लाखों लोगों को मानसून सीजन में ना ही टूटी फूटी सड़कें देखने को मिलेंगी और ना ही सरकार को बार बार इसकी मरम्मत कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, देश में हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी एक वजह खराब सड़क होना भी है। वैसे सरकार ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि इस तरह की सड़कों को बनाने की शुरुआत भारत में कब से की जाएगी। भारत इससे पहले भी कर चुका है कमाल। वैसे आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब हमारे देश के साइंटिस्ट ने कबाड़ से कमाल कर दिखाया हो, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश में त्रिपुरा से लेकर कानपुर और नई दिल्ली से मेरठ तक प्लास्टिक वेस्ट की सड़कें बनाई जा चुकी हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सड़क बनाने के लिए हमारा देश पूरी दुनिया से प्लास्टिक वेस्ट खरीद रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय देश और दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ी समस्या है, इसलिए आजकल प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इन सड़कों को बनाया जा रहा है। आइए शॉर्ट में जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से सड़क कैसे बनती है। सबसे पहले बिटुमेन, जो कि एक तरह का चिपचिपा केमिकल होता है, उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर मिला दिया जाता है। उसके बाद क्रशर की मदद से इन सबको मिक्स कर दिया जाता है और एक गाढ़ा तरल पदार्थ तैयार हो जाता है। तो इसमें कंक्रीट मिलाने के बाद इस लेप को सड़क पर बिछा दिया जाता है। कुछ इस तरह से देश और दुनिया में निकलने वाले वेस्ट से सड़क बनाने को अंजाम दिया जाता है। कुछ साल पहले तक सरकार के लिए देश में हर तरफ फैली प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करना बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन इस तकनीक ने सरकार को काफी राहत दी है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब देश में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ नजर आने लगेंगे। हालांकि देश के लिए प्लास्टिक वेस्ट अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कई लोग इसे एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसे जला देते हैं या फिर कचरा फेंकते वक्त कई तरह की प्लास्टिक वेस्ट को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिसे रिसाइकल करना मुश्किल और बेहद खर्चीला हो जाता है। तो आप भी इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर देश की इस मुहिम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के रिसर्चर्स द्वारा बनाई गई ये टेक्निक एक दिन देश के देखे गए स्वच्छ भारत अभियान को एक नई ऊंचाई जरूर देगा। अगर आपके अंदर भी किसी तरह के वेस्ट से कुछ बनाने की तकनीक है तो हमें बताइए, क्योंकि क्या पता आज बेहतरी के लिए उठाया गया एक कदम दुनिया में भारत का सर शान के साथ ऊंचा कर सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, और किस वेस्ट से सड़कें बनाई जा सकती हैं, या अगर आपके पास भी कोई ऐसा तरीका है तो फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।